हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब मैं बस यहाँ पे बात करने जाए अगले पॉइंट के बारे में। सी पार्ट वन रख दिया होगा, नहीं देखा है जाके जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। और कल मैंने आपको बताया था, माफ कीजिएगा, दो दिन पहले पेटीएम वर्स्ट फॉल किया है, आज भी फॉल किया है और ये वर्स्ट फॉल इसका और हो सकता है। मेरा जो यहाँ पे एक जीरो टू हीरो स्टॉक था, आज भी ऊपर है, इसे नहीं देखा है जाके देखिएगा। अदानी विलमार रॉकेट बना था, आज भी कुछ ऊपर है, जाके जरूर दिखेगा। और इसमें कुछ स्टॉक्स बोले हैं, वो भी फोकस जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बस फटाफट यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। दो दिन से मैं यहाँ पे रिस्पांस नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के मेल्स आए हैं, तो जिन लोगों ने मेल किया एक दिन एटलीस्ट पेशेंस रखिएगा। मैं बाहर था और वैसे भी मेरे लैपटॉप में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, कभी कभी कंटिन्यू रहते, कभी कभी स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा आपको जल्द से जल्द एक रिस्पॉन्स देने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है, पेशेंस रखेगा। और जब भी ऐड होगी, नेक्स्ट डे से आपकी मेंबरशिप स्टार्ट होगी, क्लियर। चलिए बात करें जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं बस ये वीडियो का मकसद है कि जो लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है, उसकी वजह से आपके स्टॉक्स में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आप अगर कोई स्टॉक लेके रखा है तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो थोड़ा सीरियस मोड पे फोकस करना। देखो मेंबर्स, स्टॉक यहाँ पे एफआई देखोगे तो एफआई ने यहाँ पे 3000 करोड़ की बिकवाली की है, डीआई ने छोटी सी खरीदारी की है। तो रिटेल निवेशक का सिंपल सा क्वेश्चन, सर क्या एफआई फिर से बिकवाली मोड पे आ चुके हैं? मेंबर्स, एक दिन जो भी खरीदारी की थी वो पॉजिटिव है, हालांकि नेक्स्ट डे को उससे ज्यादा बिकवाली है। पेशेंस रखना, 3 दिन देखेंगे, अगर 3 कंटिन्यूअस डे सेलिंग आई तो मार्केट में फॉल थोड़ा आ सकता है, थोड़ा ज्यादा फॉल आ सकता है, ओके। लेकिन अभी ऐसा मत सोचना कि मार्केट में एफआई बड़ी सेलिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। मेंबर्स, नेक्स्ट जो आपको न्यूज दिखाई दे रही है वो न्यूज ये हो जाती है कि रशिया यूक्रेन बीच में अभी बातचीत चलने वाली है, और ये जो प्रपोजल है यूक्रेन की तरफ से है, अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाते हैं तो वार खत्म हो जाती है, लेकिन अगर रिजेक्ट हुआ तो कुछ ज्यादा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, ऐसा रशिया का पॉइंट है। तो फोकस करना अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखेंगे कल यहाँ पे क्या न्यूज आती है। और इसी की वजह से मार्केट में थोड़ा पैनिक सेलिंग है, और जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे, क्रूड ऑयल प्राइसेस, इसकी वजह से भी आज मार्केट फॉल किया था, क्लियर। तो पॉइंट ध्यान में रखिएगा, मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं बस मल्टी डॉलर क्वेश्चन, सर जोमेटो में क्या करे, और न्यूज क्या पॉजिटिव है? डेफिनेटली यस, न्यूज पॉजिटिव है। 10 मिनट के अंदर फूड अगर डिलीवर होता है, अगर ये जो प्लान है जोमेटो का सक्सेस रहा, तो बहुत सारे स्विगी के जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो जोमेटो के अंदर स्विच होने की कोशिश करेंगे जो कस्टमर्स है, तो थोड़ा सा बेनिफिट जोमेटो को जरूर मिल सकता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे सर जोमेटो में क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे अगर मेरा सजेशन आपको अच्छा लगता है तो मैं बोलूंगा होल्ड करना, अभी सेलिंग मत करना। स्टॉक सपोर्ट ले रहा है जो काफी काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ऐसा ही स्टॉक यहाँ पे बेस बनाता रहा तो स्टॉक में बहुत जल्द बड़ी मोमेंटम आएगी, ठीक है। तो क्या करना है, 75 शॉर्ट टर्म ट्रेडर को स्टॉप लॉस रखना है, 80 पे होल्ड रखना है, चांसेस है कि कुछ ही दिनों के अंदर मेरे हिसाब से एक बड़ी मोमेंटम आएगी, 100 तक जाएगा। लेकिन ऐसा मत सोचना कि ये न्यूज की वजह से कल बड़ी मोमेंटम आएगी, ठीक है, मान लो मार्केट नेगेटिव रहा तो जोमेटो में भी थोड़ी सी साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड रहेगा, क्लियर। तो बाकी न्यूज पॉजिटिव, पैनिक अभी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बस ध्यान से सुनना, एसेंचर के जो नंबर है वो काफी स्ट्रॉन्ग Q2 नंबर है, इनका जो फुल रेवेन्यू ग्रोथ है बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ने वाला है। अब कोई कोई पूछे सर ये एसेंचर क्या है और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि जो ये कंपनी है बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, फोकस करना है कि इसी की वजह से अगर इनके नंबर पॉजिटिव आते हैं हमारे इंडियन आईटी कंपनीज के स्टॉक्स रॉकेट बनते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछे तो इंफोसिस जैसा स्टॉक, टीसीएस जैसे स्टॉक होल्ड करना, स्टॉक में यहां से बड़ी मोमेंटम हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो आपको इंफोसिस जैसे स्टॉक यहाँ पे 1750 पे मिले, 1700 पे मिले, खरीदारी करने की जरूर कोशिश करना, ओके, ऑफ कोर्स फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए। बाबा रामदेव, अब मेंबर्स ध्यान से सुनिएगा, आज रुचि सोया का स्टॉक फॉल किया है, क्यों? क्योंकि मेंबर्स ओएफएस जो यहाँ पे आया था, ठीक है, रुचि सोया का स्टॉक का, वो काफी नीचे के प्राइस पे है, इसकी वजह से स्टॉक फॉल किया। लेकिन मेंबर्स जो न्यूज आ रही है वो स्ट्रॉन्ग है, बाबा रामदेव का मानना यह है कि वो लोग ग्लोबल ब्रांड बनाने वाले हैं रुचि सोया एंड पतंजलि के स्टॉक को, या तो पतंजलि कंपनी को, ठीक है। तो न्यूज डेफिनेटली पॉजिटिव है, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि अगर रुचि सोया किसी ने लिया है
तो लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस रखना, पैनिक बिल्कुल भी मत करना। और किसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो सिर्फ 3% या 5% का स्टेक लॉन्ग टर्म के लिए रुचि सोया के अंदर ऐड कर सकते हैं 800 के लेवल्स पे, ठीक है। लेकिन मेंबर्स क्लियर कट वार्निंग है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कुछ भी मत देखना, कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रिटर्न देखी जा सकती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में मैं अभी भी नेगेटिव हूं स्टॉक के अंदर, बहुत ज्यादा बड़ी मोमेंटम या तो प्रॉफिट नहीं आएगा, वो ध्यान में रखिए। तो मेंबर्स ये सभी स्टॉक यहाँ पे न्यूज की वजह से फोकस में रह सकते हैं। अब फटाफट कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। सर सन फार्मा में क्या करें? मेंबर्स यहाँ पे देखो, सन फार्मा का स्टॉक बहुत ही कम, मेरे हिसाब से ऐसा स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना चाहिए। स्टॉक में पॉजिटिव स्ट्रेंथ तो है, ठीक है, अगर 2 से 3 महीने होल्ड करोगे तो स्टॉक में शायद 950-960 तक के टारगेट आ सकता है। लेकिन इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए मैं अभी बोलूंगा कि स्टॉक में थोड़ा फॉल आएगा, 890 तक जाएगा, फिर स्टॉक बाउंस करेगा, फिर से ऊपर चला जाएगा 950 तक। तो स्टॉक में मेरे हिसाब से कुछ फॉल आ सकता है, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर मे बी, और बाद में ऊपर जा सकता है। तो स्टॉक को फोकस जरूर रखेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से आपको होल्ड नहीं करना चाहिए, 50% एटलीस्ट बुक कर दीजिए अगर प्रॉफिट में है। अदानी टोटल गैस, किसी व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि सर अदानी टोटल गैस में क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले? डेफिनेटली यस, एटलीस्ट 60-70% का प्रॉफिट अदानी टोटल गैस में बुक कर लेना चाहिए स्टॉक के अंदर, ठीक है। जो स्टॉक हम लोगों ने 600 पे दिया था, 580 पे दिया था, वो काफी चांद फाड़ के ऊपर चला गया है, अभी स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लेना जरूर चाहिए, क्लियर। एक ट्रेंड का स्टॉक हो जाता है, ट्रेंड भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो मेंबर्स, अभी किसी ने पूछा था सर ट्रेंड के अभी लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें? नहीं मेरे भाई, ट्रेंड बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, बाय करना है तो 1000 के आसपास बाय कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन मैं अभी बिल्कुल भी सजेशन नहीं करूंगा। ये जब भी नया हाई बनाता है फॉल करता है, जब भी हाई बनाता है फॉल करता है, तो इसको अवॉइड ही करो, क्लियर। और एक आखिरी स्टॉक हो जाता है कि सर रिलैक्सो क्यों फॉल किया? मेंबर्स रिलैक्सो में इसकी वजह से फॉल किया होगा, जो अभी एक इन्फ्लेशन डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, इसकी वजह से फॉल किया है। स्टॉक में स्ट्रॉन्ग वीकनेस है, हमारा वन ऑफ द हॉट फेवरेट है, लेकिन अभी वीकनेस आ चुकी है। स्टॉक 1000 के आसपास जाके सपोर्ट लेगा, अगर 1000 पे मिलेगा मेरे सबसे बेझिझक स्टॉक को एड या एवरेज करना चाहिए, ठीक है। ऐसा स्टॉक को मिस मेरे भाई बिल्कुल भी मत करना फ्यूचर में, ठीक है। तो मैं बस मोस्ट ऑफ द क्वेरी शॉर्ट आउट कर दिया, फिर कोई क्वेरी रह जाती है कॉमेंट कीजिएगा, आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा, ओके। और मैं बस आपकी ईमेल्स की रिस्पांस बहुत जल्द दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। और हमारे वीडियोस नहीं देखते जाके जरूर देखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।